तो वेलकम टू द बख्शी फैमिली ब्लॉग्स। ये है हांगकांग सीरीज का पहला पार्ट, जहाँ की हम आपको बता रहे हैं डिज्नीलैंड टूर के बारे में। तो हमारा जो द गार्डन बे होटल था, वहाँ से हमने दो टैक्सी की थी और एक टैक्सी में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, तो हमारे 7 पीपल थे, तो हमने दो टैक्सी करके और हमारा चार्जेस था $140 हांगकांग डॉलर्स। उससे हम पहुँचे अपने सबसे एक्साइटिंग जगह, जहाँ पे बच्चे बड़े सबको बहुत मज़ा आता है, वो है द डिज्नीलैंड। तो अब ये आप हम डिज्नीलैंड में पहुँचे, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो गेट के सामने किस तरह हमने सबने फैमिली पिक्चर्स क्लिक किया और बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स थे वो। बहुत बड़ा पम्पकिन वहाँ पे दिखा जहाँ पे मिकी माउस था बना हुआ, और फिर हम जब जैसे ही अंदर गए हमें एक छोटे से कॉर्नर पे गूफी दिखा, तो सॉरी गूफी या प्लूटो आई एम नॉट श्योर, तो ये गूफी है। तो ये गूफी ना, आप जब जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स पे आपको ध्यान देना होगा, वहाँ पे आपको ये इंटरटेनर के रूप में आपको ये मिलेंगे, जो कि आपको सॉरी ये प्लूटो है, आपको वो मिलेगा। तो इसके साथ हमारे बच्चों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराया और फिर हम फैमिली फ़ोटोज़ के लिए गए, जहाँ पे आप देख रही हैं उनकी दादी, पापा, मैं और हमारे दोनों बच्चे प्लूटो के साथ बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स इन्जॉय कर रहे हैं, और प्लूटो भी बहुत हैप्पी है हम लोग के साथ। तो ये हो गई हमारी चीज़ वाली हैप्पी डिज्नीलैंड टूर का फर्स्ट। नाउ अब हम उसके बाद आपको बहुत सारे सेक्शंस हैं डिज्नीलैंड में। तो ये पहला जो था सेक्शन टुमारोलैंड, हम वहाँ पहुँचे थे। ये साइंस फिक्शन टाइप का है ये जगह, जहाँ पे पहले हमने ये वाली राइड की थी। ये आपको कुछ प्लैनेट्स के जैसे दिख रहा है और आप एक स्पेसशिप में बैठ के ग्राउंड, अभी ये ऊपर होगा नीचे होगा, तो ये भी बहुत फन है। आप उसको, सबसे अच्छी बात है कि उसमें एक अंदर में भी एक कोऑर्डिनेटर कुछ दिया हुआ है, जिससे आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने भी, और ये राइड हमारा अच्छा चल रहा था। इसके बाद फिर हमारे इस राइड के बाद हम और भी बहुत सारी राइड्स में गए हैं, तो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट राइड हमने की थी। नीचे करो, नीचे। और इस साइड में फिर बाद में हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, दादी के साथ भी बैठी थी, मम्मी जी के साथ। डर लग रहा है। ये राइड कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे, और फिर एक लेवल में आके सब बहुत बहुत व्यू भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा था। ये हमारा सबसे पहला राइड था डिज्नीलैंड। इसके बाद हम पहुँचे एक हमारे नेक्स्ट राइड में, जो कि टुमारोलैंड माइल्स ऐसा कुछ राइड था नाम। ये राइड बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत एक इंटरनल थोड़ा अलग टाइप का है, बड़ा बड़ा है। जिसमें आपको बैठ के पूरे अंधेरे में हम गए थे, और ये साइंस फिक्शन बेस्ड ही थे सारे राइड्स। तो इसमें जब हम पहुँचे ये बहुत हाई स्पीड में था, और सारे लोग अलाउड थे, हम बच्चे सब कुछ, पर हमें पता नहीं था कि ये राइड इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें स्पीड होगा और बाहर अंदर बिल्कुल अंधेरा होगा। तो आइए एंजॉय करते हैं ये वाला राइड। सब तो घूम घूम के आ रहा है, एक मिनट। बहुत सारे प्लैनेट्स बने हुए थे, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड जो आप देखते हैं उस टाइप से था। फिर जब हमने ये राइड कर लिया तो हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे मिकी माउस और डिज्नीलैंड की तरफ से एक कार्निवल होने वाला है। दैट इज़ फॉर, उस समय हेलोवीन का टाइम था, तो ये हेलोवीन सॉन्ग हुआ जिसमें डांस हुई, और हम सब स्ट्रीट्स पे ऐसे बैठे हुए थे, और ये मेन स्ट्रीट स्वीट्स के पास हुआ था। और ये फिर एक बार फिनिश होता है तो ये फिर से स्टार्ट होता है, तो आप ये सबको इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे हेलोवीन का टाइम है तो हेलोवीन
कार्निवल होगा, न्यू ईयर है तो न्यू ईयर होगा, क्रिसमस है तो क्रिसमस होगा, इस टाइप से हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फन था, डांस बहुत अच्छा था, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, इंटरटेनिंग था। साथ में इसमें हमने बहुत कैरेक्टर्स, डिज्नी के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी देखे। बच्चों के लिए तो बहुत मेसमराइजिंग था और बड़ों के लिए बिल्कुल अपने बचपन को याद करने वाला। ये है मिकी हेलोवीन टाइम स्ट्रीट पार्टी एंड द पार्टी कंटिन्यूज। सॉन्ग बहुत अच्छा है एंड जस्ट सी द कोऑर्डिनेशन, कितना मेहनत करते हैं ये लोग तो छोटी छोटी इवेंट्स के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो ये सारे एरिया में भी आप पूरा जब ये हो जाता है तो ये देखिए मिकी माउस, जो कि हम लोग के लिए तो बिल्कुल अपनी बचपन की यादों के जैसा है कि हाँ मिकी माउस से मिल लिया हमने। और फिर यहाँ पे ये सारी ईटिंग प्लेस है, आप देख सकते हैं टेम्पटिंग ट्रीट्स, और वहाँ पे पिज़्ज़ा है, मेन स्ट्रीट स्वीट्स, यहाँ पे आपको अच्छी स्वीट्स मिलेंगी, केक्स मिलेगा, बेकरी आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा है। और ये हमने इन्जॉय किया, सब लोगों ने ये देखा था ये फंक्शन, मेन स्ट्रीट स्वीट्स स्टेक्स। अब ये भी देखते जाएंगे कितने सारे हैं, डिलीशियली डिलाइट्स, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं और सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट सुपर सोल्जर्स जॉइनिंग द फाइट। तो ये भी साइंस फिक्शन वाला ही है। ये साइंस फिक्शन वाले जो भी यहाँ पे हमने ये किया था, जितने भी राइड्स, ये बहुत हमें अच्छे लगे थे, बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आयरन मैन एंड दिस इज़ द हॉल ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब हम जा रहे हैं द हॉल ऑफ एनर्जी में। हॉल ऑफ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था क्योंकि ये हांगकांग बेस्ड एक यहाँ पे फिक्शन, आपको जस्ट लाइक अ वीडियो गेम ये था। और हम वहाँ पे बैठे थे और आपको फील होगा कि यू आर सेविंग द हांगकांग। बहुत सारे एलियंस हैं, बहुत सारे न्यू एंटरटेनिंग आप देख सकते हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं, रोबोज हैं। यही वाला है, ये यही सब में बैठना है। ये कितने कितने ज्यादा अच्छे हैं ना, कितने एक्सपो एडिशन। Now it's the time to fly. हो गया खत्म। So, ये सारे राइड्स हमने हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, बहुत अच्छा था। ये जब हम इसमें अंदर में बैठे बैठिएगा आप, आपको 3D ग्लासेस मिलेंगी, have to put on the glass। और इसमें हम लोगों ने और स्पेशली आनवी मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय किया और हमें ऐसा लग रहा था कि हम वी आर द सेवर्स ऑफ हांगकांग सिटी, हम सेव कर रहे हैं। तो वो बहुत मज़ा आ रहा था। मौका मिलेगा तो ये दो राइड्स हैं जो हम लोग फिर से करना चाहेंगे ज़रूर। बहुत बहुत एंटरटेनिंग था क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर में उतना नहीं मिलती हैं, लेवल इतना अच्छा नहीं होता जो आपको डिज्नी लैंड में मिल रहा है। और ये अभी स्टार्ट होने वाला है, अभी आप देखेंगे वाओ किस तरह से एलियंस ने अटैक कर दिया है हांगकांग सिटी पे एंड वी आर द वन हु आर सेविंग द हांगकांग सिटी। वो देखिए अटैकर्स आ गए हैं एंड अब हमें सेव करना है। तो अब हम सेव कर चुके हैं और अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम थोड़े फन मोमेंट्स में आ गए हैं, छोटे बच्चों वाले जो इंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं। तो ये है द लिटिल वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी 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 बहुत अच्छा है ये। और
थोड़ा सा आपको 20 मिनट्स का वेट होगा यहाँ पे, पर ये क्राउड है, पर ये चलता रहता है, तो आप एंटरटेन होते होते गाना सॉन्ग सुनते सुनते नीचे पहुँच जाते हैं। तो जब हम वहाँ नीचे पहुँचेंगे, ये एक छोटा सा बोट जैसा है जो वाटर पे चलता रहता है आपका, और इससे आप लिटिल वर्ल्ड का टूर करेंगे। तो लिटिल वर्ल्ड का टूर करने के लिए आप पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। और अभी ये स्टार्ट हो रहा है और इसका म्यूज़िक बहुत प्यारा है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत सूदिंग है। और साथ में आप छोटी छोटी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको सारी कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स आपको लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आइसलैंड का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ख्वाला है और आइस में लोग कैसे रहते हैं, उस टाइप की लाइफ बताई जा रही है। और इसमें हमारा इंडिया भी आता है, एक जगह जहाँ ताजमहल बना हुआ है वो भी आएगा। फिर आप यूरोप, वेलकम टू यूरोप, फिर इस टाइप से यूरोप का थोड़ा सा इस म्यूज़िक भी थोड़ा हल्का चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। और बहुत आई सूदिंग है, बहुत वेलकम टू मिडिल ईस्ट। मैंने तो ये वाली राइड दो बार की थी, क्योंकि एक बार में मन नहीं भरा तो हम दोबारा जाके फिर से आ गए इस राइड को करने के लिए। और आप कितनी बार भी करेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, ये इतना एंटरटेनिंग है। छोटी छोटी डॉल्स, उसके आप ये देखिए अलादीन चिराग के साथ, अपू, जैस्मिन। और अगर आप इसको और अच्छा से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बहुत बेसिक चीज़ों पे कितना ध्यान है, कितना अच्छा बना हुआ है ये सब कुछ। वेलकम टू अफ्रीका। वाओ, ये एनिमल्स कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने स्वीट हैं। स्पेशली वो डॉल्स कितनी क्यूट हैं, वो कितना अच्छा ड्रेसअप है उनका, सब कुछ बहुत अच्छा है। म्यूज़िकल ऊपर में आप ध्यान देंगे तो मतलब एक एक चीज़ बहुत ध्यान दे के बनाई गई है, बहुत एंटरटेनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिप्पोपोटामस के ऊपर एक बर्ड है, ऊपर मंकीज लटक रहे हैं, एलिफेंट के सूर पे भी गाना चल रहा है, तो बहुत मज़ा आया था। एक अलग, टोटली अलग वर्ल्ड है सही में, अदर लिटिल वर्ल्ड। नाउ वी वेलकम यू टू अमेरिका। अब अमेरिका आ गया है, अब आप देखिए यहाँ लामा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी डॉल्स, म्यूजिकल, वाओ, पेंगुइन्स डांसिंग। लिटिल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अभी न्यूयॉर्क सिटी का ही दिख रहा है, आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत बहुत प्यारी चीज़। ये देखिए आपका टॉय वर्ल्ड आ गया। अगर आपको डिज्नी कैरेक्टर्स याद हैं तो आप एक एक चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, और अगर आपको डिज्नी करेक्टर नहीं भी याद है, आपने नहीं भी देखा, तो कोई बात नहीं है, आपको फिर भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सारे करेक्टर्स देखे कि एशिया में आगे हमें अपना ताजमहल दिखता है। इंडियन अटायर में डॉल्स, वो भी डांसिंग, कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए हम सबका चहेता मोगली। नाउ आई बिलीव दिस इज थाईलैंड। आप यहाँ पे देखिए फ्रॉक्स कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, डांस कितना अच्छा कर रही है। दिस इज टोटली अ न्यू वर्ल्ड, लिटिल।
तो डिज्नीलैंड आइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी जो 3-4 सेक्शंस हैं। तो पहला हमने साइंस वाला फिक्शन वाला सेक्शन किया, फिर हम चले गए अपने किड्स सेक्शन में जहाँ पे आपको ये सबसे पहले हमने लिटिल वर्ल्ड किया, फिर फेरी लैंड है, फिर छोटी छोटी बहुत सारी राइड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी करने के लिए। तो इसी तरह आप बहुत सारी जगह की चीज़ें जो कि आपके बच्चे सीखेंगे, देखेंगे कि हाँ वर्ल्ड में दुनिया में कितने तरह तरह के लोग हैं और किस तरह से वो लोग ड्रेसअप होते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको और भी हमारे अच्छे ट्रैवलिंग वीडियोस मिलते रहें।